नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप भी रैम्स कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप रैम्स वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसका कोर्स भी मैं करवाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। लेकिन आज के वीडियो में रैम्स की विलेज बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा आईक्लोन। दोस्तों, सबसे पहले मैंने रैम्स के लिए माया से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाकर रखे हैं, तो वो मैंने इस फोल्डर के अंदर रखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले विलेज बनाने के लिए हमें एक लैंडस्केप लेना होगा, तो यहाँ पर मैंने रैम्स के नाम से एक लैंडस्केप बना रखी है। दोस्तों, ये लैंडस्केप कैसे बनी है इसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, ये वाली जो लैंडस्केप है ये मैंने बना करके रखी है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ मैंने मिट्टी का जो है वो कलर स्प्रे किया है, हालांकि मैं इसे चेंज करके दूसरा लगाने वाला हूँ। वैसे ये भी काफ़ी हाई लेवल की जो है टेक्सचर है, जो कि फट नहीं सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ना, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आप समझ जाएंगे कि रैम्स जो है वो कैसे बनाई जाएगी। दोस्तों, इसके बाद मैंने स्काई भी जो है वो पहले से ही बना करके रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो टाइप का जो है स्काई भी बना रखी है, तो आपको जो भी पसंद हो बस डबल क्लिक करिएगा, वो स्काई जो है ना वो यहाँ पर लग जाएगी। ये देखिए, स्काई यहाँ पर लग चुका है। इसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पर टावर इमेज भी पहले से बना रखी है, तो मैंने प्रॉप्स के अंदर अर्थात रैम्स के अंदर मैंने टावर इमेज को रखी है, तो मैं यहाँ से टावर इमेज भी लगा दूंगा। यहाँ से हमें ढूंढना पड़ेगा, मैं टावर इमेज रखा हूं, यहां पर देख सकते हैं ये है टावर। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और ये यहां पर आ जाएगी। दोस्तों, रैम्स जो है ना मैं कई तरह से बनाया करता हूं, तो ये देखिए, जैसे मैंने डबल क्लिक किया यहां पर पहाड़ी जो है ना वो आ चुके हैं। दोस्तों, ये मॉडल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेज है, पहाड़ी वाले की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, यही वाले जो है ना एक बार मैं और यहां पर लगा देता हूं। लगाने के बाद मैं क्या करता हूं, मूव टूल में जाकर के इसको जो है मैं वापस मूव कर लेता हूं। एक मिनट दोस्तों, मैंने लगाया था शायद, ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा ऊपर किया और इसके बाद मैं क्या करूंगा, रोटेट कर दूंगा। दोस्तों, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था, इसकी वजह से पीछे चली गई थी, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं। तो यदि आप कंट्रोल का बटन दबा के ऐसे खींचते हैं तो इसकी जो है डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पहले रोटेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको स्केल कर देता हूँ, ताकि ये पीछे की तरफ जो है वो चली जाएगी, ठीक है। दोस्तों, ऐसे करके मैं इसको पीछे डाल दिया हूँ, जिससे हमारी जो पर्वत है वो दो हो गई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा क्रॉस करवा दीजिए, ताकि बेहतर लगेगा देखने में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, और थोड़ा सा मैं इसे डाउन भी कर देता हूँ। डाउन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं स्केल भी कर दूंगा, जिससे ये बेहतर दिखाई देने लगेंगे। अभी आप देखिएगा एकदम मस्त जो है वहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा और डाउन करूँगा और ये वाले को भी पकड़ के मैं थोड़ा सा डाउन कर दूंगा, जिससे देखने में एकदम शानदार जो है लगेगी, ठीक है। ये मेरा हो गया। दोस्तों, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रोड लगाऊंगा, ठीक है ना। रोड लगाने के बाद मैं पेड़ पौधे लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर रोड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं पहले ही कहा था, सब कुछ मैं सेव करके लाया हूँ। तो यहाँ मैंने रोड के ऊपर डबल क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो रोड है वो लगा लिया है। दोस्तों, आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड है और हमारे स्टोरी के ऊपर भी डिपेंड है। अगर रोड की आवश्यकता है ना, तभी लगाएंगे दोस्तों, यदि नहीं है आवश्यकता तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक ट्री भी मैं लगा लूँगा, तो ट्री को भी मैं डबल क्लिक किया हूँ, ताकि यहाँ पर ट्री आ गए हैं। अगर आप देखिएगा तो ये वाला जो है यहाँ पर ट्री आ चुका है। दोस्तों, ये एकदम लो पॉली मैं बना रहा हूँ, हालांकि एक से बढ़ के एक बेहतर से बेहतर जो है हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो है आपको जो मेरे पास है वो बना हुआ से भी बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आईक्रोन से लेकर के पूरा यहाँ तक का कंप्लीट सफ़र भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है ये वाला लगा दिया है रोड के किनारे। अभी इसका रिजल्ट देखिए कितना जो है शानदार हो चुका है। दोस्तों, ये सारा चीज़ माया से बना के लाया गया है, ठीक है। दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक गेट मैंने बना रखी है, तो मैं उस गेट को भी यहाँ पर डाल देता हूँ। रोड को आप डबल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही के लिए बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर गेट के नाम से भी मैं सेव कर रखा हूँ, ये देखिए गेट है, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके आउटर पे जो है ना मैं गेट लगा देता हूँ। तो ये गेट आ चुका है, आप देख सकते हैं, और इस गेट को भी मैं क्या करता हूँ, एक बढ़िया जगह पर मैं फिट कर देता हूँ, जैसे कि मैं
इस पेड़ के बाहर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने गेंद को भी यहाँ पर लगा दिया है। आप चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं, बट इतना मुझे सही लग रहा है। तो अगर आपको सही लगे तो समझ लीजिए वो बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है एक गेंद यहाँ से लगा दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अभी ही खूबसूरत जो है वो लगने लगी है। दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, रिम्स खास करके हमारा किड्स कंटेंट वाली चीज़ें हैं तो सब कुछ आपको एकदम कलरफुल रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने एक जो है यहाँ सेटअप बना के रखी है प्रॉप्स टाइप का। इसको आप डबल क्लिक करें, चाहे ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप भी हम कर सकते हैं। तो मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर दिया है। थोड़ा सा हेवी फाइल है, सब कुछ जो है मैंने माया से बना के लाया हुआ है। तो ये वाला यहाँ पर आ गया है और मैं इसको भी क्या करूँगा, एकदम बढ़िया से सेटअप में करूँगा। कितना भी नज़दीक चले जाइए इसका क्वालिटी जो है वो नहीं फटेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर अपने तरफ घुमा करके अर्थात रोड की तरफ जो घुमा करके मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है और यहाँ से जो है हमारी मिट्टी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर की डिटेलिंग देखेंगे ना धरती पर का, तो एकदम कमाल आएगा। जब रिजल्ट भी आप कहीं से भी लीजिएगा, रेंडर करिएगा, तो बहुत ही शानदार जो इसका रिजल्ट है वो आने वाला है। दोस्तों आप लोगों को लग रहा है यार बहुत आसान है ये बनाना, बिल्कुल ये आसान ही है, इसलिए तो आसान लग रहा है ना। आप आइए सीखिए और देखिए कितना मज़ा आता है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक ट्री लगा देता हूँ। सारे कुछ मैंने माया से बना करके रखे हुए हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पेड़ पौधे के आगे जो है ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए इसी सेट पर आप मोरल स्टोरी भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाली मैं रैम्स के लिए जो है ना वो तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों तो मैंने इधर लगा लिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ना दो गेट हो, ठीक है। तो मैं इस गेट को मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के और एक और मैं लगा लेता हूँ, उसके बीच में ही गांव बनाऊँगा। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जितना ज़्यादा आप चीज़ें लगाएंगे ना उतनी जो आपकी गाँव है ना वो हेवी होती चली जाएगी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि कम से कम चीज़ों में अच्छा से अच्छा जो गाँव है वो डेवलप करना है, ठीक है। इतना काफ़ी है। मुझे एक गाँव जो है ना इस तरफ बनाना चाहिए था, मैंने उधर काफ़ी दूर में बना दिया, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर मिट्टी जो है वो जल्दी आ गई। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। अगर अभी भी आप चाहें तो आगे पीछे जो है कर सकते हैं। हमारी गाँव जो है ना बहुत बड़ी होने वाली, इतना दूर में हम गाँव बनाने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए सिस्टम के ऊपर ही सारा कुछ जो है ना वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप देख लीजिए, आपके पास अगर पावरफुल कंप्यूटर है तो आप ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक घर लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक जो है यहाँ से घर लगा देता हूँ, तभी घर लगेगा तभी ना गांव बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर सारा का सारा रैम्स वीडियो के प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही मैं सब कुछ लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर घर लगा दिया और ये भी काफ़ी औसम दिख रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत ही मस्त है अभी का नज़ारा। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे यार क्या शानदार नज़ारा है, ठीक है। देखिए आप जब इस घर को लगा रहे हैं तो इसके चारों तरफ अगर आप बाउंड्री लगा दीजिएगा ना तो इस घर जो है ना पूरा का पूरा खिल जाएगा। ये भी मैंने माया से ही बना करके लाए हैं, ठीक है। तो मैंने बाउंड्री भी कई तरह का बना के रखा है। तो बाउंड्री नंबर 3 जो है मैं इसमें लगाने का प्लान कर करता हूँ। ये वाला मेरा बाउंड्री नंबर 3 है, मैं यहाँ ला कर छोड़ देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा जिससे ये बाउंड्री भी बहुत ही बेहतर लगने लगेगी। तो ये हमारा बाउंड्री आ चुका है और ये काफ़ी अच्छा से फिट भी हो गया है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब इस गांव का नज़ारा देखिए आप, वाओ क्या दृश्य हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना फूल लगाना शुरू करता हूँ, क्योंकि फ्लावर के बिना गांव की सुंदरता कहाँ से आएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना इस फ्लावर को लगाता हूँ। ये भी मैंने माया से ही बना के लाए हैं। यदि आप हमारी कोर्स लेते हैं तो वहाँ पर सारा चीज़ जो है ना आपको सिखा दिया जाएगा। ये देखिए कितना बेहतर मैंने फ्लावर को बना के रखी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लगा दूंगा, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं या फिर पूरा गाँव को भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप लगा सकते हैं, कितने बेहतर दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि फूल फ्लावर से जो है ना वो गाँव की सुंदरता निकलती है, ठीक है। मैं यहाँ पर भी एक जो है ट्री लगा रहा हूँ। ये ट्री भी मैंने माया से ही बना कर लाए हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट ट्री है। ये देखिए काफ़ी कमाल की लुक जो है वो आ रही है। मैं इसको इसके ग्राउंड में लगाऊंगा ताकि हमारा जो है एकदम रियलिस्टिक देखने में काफ़ी बेहतर लगे। इसमें आप मोरल स्टोरी, मैकजॉक स्टोरी सभी कुछ जो है ना इसमें बना सकते हैं, ठीक है।
तो यहां से मैं इसको भी यहां लगा दिया हूं क्योंकि काफी सुंदर दिख रहा है। यदि आप देखिएगा तो बहुत ही बेहतर आपको गांव जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, बट क्या है शुरुआत में बनाने में थोड़ा सा टफ लगेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक ये वाली जो घर है ना मैं यहां पर लगा देता हूं थोड़ा दूर में। ये वैसे वाटर हाउस है, मैंने वाटर के लिए बनाई थी, लेकिन फिलहाल अभी मैं यहीं लगा दे रहा हूं क्योंकि आपको पता ही है जितना ज्यादा घर होगा सिर्फ ड्रैग करते जाइए और ये बनता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी काफी जो है ना वो पावरफुल है। हालांकि इसे ग्रीन एरिया में लगाया जाए तो सबसे बेस्ट दिखने वाला है, पर मैं अभी के लिए यही लगा दे रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है ना ग्रीन जहां पर ग्रास है थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का है वहां लगाइएगा, जैसे यहां पर लगाइएगा तो ज्यादा बेस्ट दिखेगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहीं पर रख रहा हूं। इसके बाद मैं क्या करता हूं, और भी बहुत कुछ लगा लेते हैं। तो मेरे पास जो है मैं यहां से नीचे आ रहा हूं, देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा मैंने कंसेप्ट को बना के रखे। मैं यहां पर भी एक दो ट्री लगा देता हूं। ये वाला जो है ना एकदम रैम्स का ही ट्री है, तो ये ट्री देखिए ये भी मैंने माया से ही बनाया है। यहाँ पर जितनी सारी भी आपको चीज़ें दिखाई देगी वो ज्यादा से ज्यादा चीज़ जो है ना वो ज्यादा क्या सारा ही कुछ माया से बनाया हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए ये ट्री जो है ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। यदि आप देखिएगा तो काफ़ी एट्रैक्टिव जो है ये लगेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना कुछ फ्लावर लगा देता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने बनाया था वही वाला फ्लावर मैं यहाँ पर ड्रैग कर दे रहा हूँ ताकि देखने में बहुत ही सुंदर दिखे। दोस्तों जितना आकर्षक दिखेगा उतना ही मजा आएगा आपको वह स्टोरी बनाने में भी और ऑडियंस को देखने में भी। कंट्रोल दबा के यदि आप ड्रैग कर देते हैं तो इसकी जो है ना डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहां से घुमाने के बाद ड्रैग करने से ये डुप्लीकेट भी हो जाएगी। ठीक है, अगर इधर भी लगा दें तब तो भाई इसकी रौनक ही गजब आ जाएगी। तो गांव के कंसेप्ट में मैं इतना ही रखता हूं, लेकिन आप लोग सोच लीजिए जितना ज्यादा भर देंगे उतना ही मजा आएगा। आप ट्रेन डालिए, बहुत कुछ जो है यहाँ डालिए, उसके बाद जो है ना इसकी रौनक इतनी वीआईपी दिखाई देगी। देखिए अभी इतना सुंदर लग रहा है, तो आप सोचिए इस सब कुछ लगाने के बाद ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है विलेज बनाई जाएगी। अभी बहुत समय लग जाएगा, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ इससे आगे की कंसेप्ट पर बढ़ा जाए। घर मकान तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर एक ट्री और लगा देता हूँ, ये वाला, तो मैं इधर लगा देता हूँ दूर में ताकि हमारी जो गांव है वो और बेस्ट हो जाएगा। गांव में टावर लगाए, जितना कुछ लगाइएगा ना उतना ही बेस्ट बहुत बनता चला जाएगा। ठीक है, इसका यही रूल है कि जितना सामान लगाइए उतना जो है बढ़िया दिखाई देगा। देखिए एक ट्री और लगा दिया तो इसकी रौनक यहाँ से देखिए लग रहा होगा कि भाई ये किसी गाँव में आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, मैं बहुत सारे कंसेप्ट चीज़ें हैं, पेड़ पौधे भी बहुत तरह का है, विंडमिल कौन नहीं डाले इसका, ये तो गांव का एकदम रौनक ला देता है। मतलब पवन चक्की ये भी मैंने बना के रखी है और इसको हम ऑपरेट भी अर्थात रोटेट करके चालू रखेंगे वीडियो के अंदर, जो कि देखने में एकदम बहुत ही सुंदर लगेगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारे गांव के सुंदरता में ये चार चांद लगा दे। दोस्तों अब जैसे कि कहानी के अकॉर्डिंग मान लीजिए हाथी राजा पर वीडियो बना रहे हैं तो हमें हाथी भी चाहिए, तो मैंने हाथी भी बना रखी है, ये भी माया से बना रखे हैं। वैसे मैंने कहा था ना कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने माया से ही बनाई है, तो माया का ही कंसेप्ट है और पूरा का पूरा रैम्स अर्थात पोयामबाली। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे अगर वो भी करना है तो वो भी मैं बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ, वो भी मैं सिखा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस हाथी को फिलहाल यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। दोस्तों आज के क्लास में मैं जो है वो अर्थात मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो है ये देखिए ये मेरा हाथी रहा। ठीक है, इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, ये मैंने रैम्स के लिए ही बनाई थी तो वही वाला यहाँ पर जो है चीजें हैं। ठीक है, अब अवतार प्रिपरेशन में जा सकते हैं और यहां से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हेवी फाइल हो गया है इसकी वजह से यहां पर दिखाई दे रहा है, तो मैंने इस हाथी को बड़ा कर दिया। ठीक है, जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना बड़ा कर सकते हैं। अभी देखिएगा तो हमारी जो गांव की सुंदरता है वो बहुत ही आकर्षक हो गई है। ठीक है, अब इसमें हम कैरेक्टर भी डाल देते हैं। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग फिर से हमें हाथी की साइज जो है वो सेटअप करना पड़ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पर एक महिला बनाई है और ये गुड़िया है तो गुड़िया को डाल देते हैं।
ठीक है देखो, एक मदारी आया अपने साथ में हाथी लाया। ठीक है, और गुड़िया तो बहुत छोटी है, लग रहा है मुझे गुड़िया को भी बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम गुड़िया को भी बड़ा कर देंगे, ठीक है ना। हम चाहें इस गुड़िया को हाथी पर भी बैठा सकते हैं, और उसके बाद जो है ना वो जो रौनक आएगी वो तो गजब ही आएगी। आप यहाँ पर देखिए, ये वाली जो हमारी गुड़िया है, और यहाँ दूर है, हम इतना दूर से सीन नहीं लिया जाता है। देखिए, ये हमारी नज़दीक से सीन जब लिया जाएगा तो कुछ इस टाइप से जो है ना ये दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हैं कितना आकर्षक जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, गुड़िया के बाद और भी हमारे कैरेक्टर है, राजा हैं, उनके पापा भी हैं। अगर उनके पापा को डाल दें तो ऐसा लगेगा जैसे मदारी वाला जो है ना वो लेके, इसकी मम्मी भी है, सारा पूरा कैरेक्टर का जो है वो टीम ही बनाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और ये सब वन टाइम बनता है, और उसके बाद जो धमाल आती है, एकदम रिजल्ट आती है, गर्दा वाला रिजल्ट आता है, जो आप लोग सोच रहे हैं वही वाला जो है ना रिजल्ट आता है। तो मैंने अभी इस शॉट में बहुत कम समय में मैंने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, ढेर सारा कैरेक्टर सब है, और ऐसे करके जो है ना वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, जितना कुछ डालेंगे उतना ही जो बेहतर है वो रिजल्ट आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि यार इसमें तो रैम्स एकदम मस्त जो है वो बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो यही था मेरा रैम्स का प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए आप जो है पूरा का पूरा विलेज बना सकते हैं, और विलेज में जो है सब कुछ बना करके, यानी हमारा लाइव कोर्स ले लीजिए, वही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सेल्फ से सीखना, खुद से सीखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमसे सीखते हैं तो जो काम, मतलब आपसे खुद से सीखने में टाइम लगेगा वो मेरे द्वारा सीखिएगा तो बहुत जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, यही बात है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।